मैं रनिया थाना क्षेत्र के डिगरी जराटोली गांव में हमारे ठीक पीछे एक टूटे हुए घर को आप देख रहे हैं। इस घर में बुधनी उराव बुधनी पहनाई नामक 65 वर्षीय महिला खाना खाने के बाद देर रात को सो गई थी। इसके बाद जंगली हाथी गांव की ओर पहुंचता है और मकान को तोड़ता है। मकान को तोड़ते ही बुधनी जमीन पर घर के अंदर सोई थी, जिससे दीवार का मलबा गिरने से बुधनी दब गई और इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की जानकारी गांव वालों को मिलते ही इसकी जानकारी वन विभाग व स्थानीय जनप्रतिनिधि व थाने को दी गई। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटते हुए बुधनी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ स्थानीय ग्रामीण महिलाएं हैं जिनसे मिलकर हम जानेंगे कि हाथी अभी किस क्षेत्र में है और किस प्रकार की परेशानी से इनको सामना करना पड़ रहा है। रौनेकर गाँव कहाँ? अच्छा, हाथी कहाँ है, कौन बताया? घटना स्थल के नजदीक की जंगली हाथी के उपस्थित होने की बात महिलाओं के द्वारा कही जा रही है। लगातार क्षेत्र में जंगली हाथी के भ्रमणशील होने और लोगों के घरों को निशाना बनाने से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। बुधनी पहनाइन के घर के अंदर रखे धान को भी जंगली हाथियों के द्वारा खाकर काफ़ी उत्पात मचाया गया है। फिलहाल वन विभाग की ओर से बुधनी पहनाइन के परिजन को 10,000 रुपये का तत्काल मदद पहुंचाया गया। मामले की जानकारी मिलते ही रनिया भाजपा मंडल के अध्यक्ष निखिल कंडुलना, रंजीत तिर्की सहित अन्य के द्वारा मिलकर परिजनों को सहानुभूति तो 9:30 बजे आए रहे, अंदर ही नहीं लगलग आला सारे दिवले के धंसा लग तो सुतल रहे भीतर में जाता है वाला समोर लग होने से आई रहे हियाँ हियाँ से और घूर ली और एक धन चंगर लग भैंस से जगह ओकर बाद घूर लग ई जगह ई जगह मैंने उटुली कर आला हरे फिर उदाला उ जगह फिर बोलने चल लग। हमको घटना का पता चला तो घटनास्थल पर आए। घटनास्थल गुमला खूटी के सीमावर्ती इलाके में है। यह है डिगरी का जरा टोली और मुझे ग्रामीणों से जानकारी मिली कि हाथी एक बार हाथी भटकते हुए सिंगल हाथी गुमला जिला की ओर से आया और जरा टोली गाँव के ही एक वृद्ध महिला बुधनी पहनाइन अपने आवास पर थी। रात में सोई हुई थी। लगभग 9:30 बजे रात की घटना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9:30 बजे रात की घटना है, 11 तारीख कल की है। तो हाथी आया और उनके दीवार को धक्का दिया और दीवार के धक्का देने से दीवार टूट के गिर गया। उसी का मलबा से बुधनी पहनाइन का दब के मौत हो गया। अभी फिलहाल तो वन विभाग की तरफ से तत्काल सहायता के रूप में 10,000 नकद दिया जाएगा मृतक के आश्रित। उसका बेटा भी नहीं है, वो हैदराबाद में कार्यरत है। उसकी बहू को दिया जाएगा अभी 10,000 तत्काल के रूप में और जो भी सरकारी प्रावधान है 4 लाख रुपये है मुआवजा की राशि, वो बाद में कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन लोग जब दस्तावेज दे देंगे वन विभाग को तो वो पे मिल जाएगा उनको। मेरा नाम नितेश कुमार केसरी, प्रभारी फॉरेस्टर रनिया।